हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बेसिकली अपना जो टॉपिक है इंडस्ट्री, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। These are prelims special, mains special and test series based on subscription. इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टडी मटेरियल और ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड दीज आर द डिटेल्स। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप recognitionis@gmail.com पे ईमेल करके जानकारी पा सकते हैं। सिलेबस वाइज अगर देखी जाए तो हम लोगों ने लास्ट के क्लास में बात किया हुआ था अपने कह लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है और हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के बारे में। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसी में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, लाइक कॉटन इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इस तरीके की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, उनके सेटअप में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर में इन सारी इंडस्ट्रीज को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम लोग बेसिकली इस डिस्कशन को दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट हमारा होगा जो आज की डिस्कशन होगी और दूसरे पार्ट में हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से रिलेटेड जितने डिस्कशंस है और साथ ही साथ टूरिज्म से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं जो इंडस्ट्रीज के जो फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर में जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है वो होता कैसे है और किस चीज को देख करके होता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा वेबर्स थ्योरी। इस वेबर थ्योरी में हम लोगों ने यह देखा हुआ था कि आखिर में मार्केट का डेवलपमेंट या कह लीजिए कि इंडस्ट्री का जो सेटअप है वो कैसे होना है। एंड ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। और इस फैक्टर में हालांकि इन्होंने तो आइसोट्रोपिक सरफेस का फंडा ले लिया था, बट लेकिन अगर इस आइसोट्रोपिक सरफेस के जो अजम्पशंस है उनको अगर इग्नोर किया जाए और बाकी के सारे चीजों के बारे में अगर बात की जाए, तो यहां पर इन्होंने बात किया था कि रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट, ये दो चीज होती है जो बेसिकली डिपेंड करती है। इसके अलावा बाद में इन्होंने थर्ड फैक्टर भी जोड़ दिया था, दैट इज द लेबर फोर्स अवेलेबिलिटी। और ये लेबर फोर्स अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसके कारण से वेबर ने भी इसे इंक्लूड किया था और इन्होंने एक वर्ड दिया था आइसोडापेन। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी, नहीं याद होंगी तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दीज डिस्कशंस। तो देखिए, इन तीन चीजों की जरूरत होती है ये तो हमारे वेबर साहब ही बता देते हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए आइसोट्रोपिक सरफेस जो एक्चुअल में अजम्पशन है, हमें इस अजम्पशन की जगह पे थोड़ी सी रियलिटी देखनी होती है। तो हमें किसी इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना होता है तो हमें पहले देखना होता है कि आखिर में ये जो इंडस्ट्री है वो बेस्ड किस पे है। बेस्ड कहने का मतलब क्या ये रॉ मटेरियल बेस्ड है या फिर ये मार्केट ओरिएंटेड है या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की जरूरत है या फिर लेबर इंटेंसिव है। तो हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखने होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग पहले एक इंडस्ट्री का सेटअप कर रहे होते हैं। इन सेटअप करने के बाद यहां से हमें हम लोग नेक्स्ट फेज में आते हैं। यहां तो हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि हाँ ठीक है कहां पर इंडस्ट्री सेट करने की जरूरत है। इसके बाद हमें कुछ बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इन तीन चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा एक और चीज आप बोल सकते हैं यहां पर, गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट्स अप्रूवल। हालांकि ये गवर्नमेंट्स अप्रूवल 1991 के पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उसके पहले जो होती है लाइसेंसिंग कल्चर था और लाइसेंस राज आप बोल सकते हैं। लेकिन 1991 के बाद से वन बाय वन करके सारी इंडस्ट्रीज को ऑलमोस्ट इसे डीरेगुलेट कर दिया गया या कह लीजिए कि डीलाइसेंस्ड कर दिया गया है कि आप लोग अब यहां पर अपना बिना लाइसेंस लिए बिना किसी परमिशन के स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ रेगुलेशंस तो होती ही होती हैं, लेकिन जो ओवर रेगुलेटेड चीज था उसको हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लाइक इन लेबर और लैंड। तो हमें लेबर पॉलिसीज ऑफ द स्टेट और लैंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट, इन दोनों मैटर को हमें देखना होता है, हमें पूरा करना होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, इस वजह से अगेन हमको इस पर भी
ध्यान देना होता है। जस्ट लाइक अगर आप देखें मारुति का केस हुआ था नैनो के लिए, जहां पर नैनो की डेवलपमेंट पहले बंगाल में होनी थी बट वहां पर लैंड अवेलेबिलिटी ना हो पाने के कारण से कंपनी को शिफ्ट करना पड़ा था। अपना सारा का सारा जो भी इक्विपमेंट जो भी डेवलपमेंट किया था इन्होंने सब कुछ छोड़ करके ये वापस रीडेवलपमेंट इन्होंने किया था गुजरात में। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल होती है जो इंडस्ट्री के सेटअप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती हैं। इन सारे डिस्कशन को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है, किस इंडस्ट्री के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज मार्केट, और इस मार्केट को कनेक्टिंग लिंक यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो हमें इन दोनों चीजों को भी देखना होता है कि आखिर में ट्रांसपोर्ट और मटेरियल, ये मतलब मार्केट, ये दोनों कॉस्टली नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम लोग रिवर या फिर हम लोग एक तरीके से वाटर वे के बारे में बोल दिया जाता है कि वाटर वे का हम लोग सहारा ले सकें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ये बोला जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी हमें कॉस्ट के नाम पे एक काफी इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, दैट इज द इंपोर्टेड गुड्स। तो जो इंपोर्टेड गुड्स होती है अगर ये काफी ज्यादा हाई रेट पे अगर आ जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी हाई लग जाती है, तो ऑब्वियसली अगेन मार्केट में जब प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो हाई कॉस्ट पे पहुंचेगा। तो हमें इसको भी कंट्रोल करना होता है, देखना होता है। तो अगेन यहां पर गवर्नमेंट्स अप्रूवल इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखनी होती है। ट्रांसपोर्ट में भी अगेन गवर्नमेंट्स अप्रूवल देखना होता है क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ऐसी बना के रखी है जो कहीं ना कहीं एक इंटरफियर कर रहा होता है इस पूरे के पूरे मार्केट में। और अल्टीमेटली फिर मार्केट में अगेन फिर हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मार्केट एंड टू मेक द मार्केट अ हेल्दी कंपिटिटिव मार्केट। तो हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है। तो हर एक फैक्टर, हर एक पैरामीटर, हर एक पॉइंट पे काफी कुछ फोकस कर जाता है, काफी कुछ कह लीजिए डिपेंड कर जाता है। तो हमें इस वजह से इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। अब जरा वन बाय वन करके अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन व्हाट पैरामीटर्स एक्चुअली द इंडस्ट्री इज बेस्ड अपॉन। और उसके बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि एक होती है जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे अगर इसके बारे में बात किया जाए तो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं ये सारी की सारी रॉ मटेरियल बेस्ड होती हैं। इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री है ये भी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है क्योंकि जहां शुगर केन मिलेगा वहीं पर ये डेवलप की जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहां हमें देखना होता है कि वो रॉ मटेरियल बेस्ड ही होती है। इसके अलावा दूसरी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती है, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए देखिए हालांकि दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो रॉ मटेरियल मतलब कि रॉ आयरन की जरूरत होती है, लेकिन इसके स्मेल्टिंग के लिए भी हमें ज्यादा जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नियर अबाउट 40% जो है वो डिपेंड कर जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मतलब कि इंडस्ट्री को अगर हम लोग थोड़ा सा दूर लगाएं तो जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है ओवर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए एक खतरा रहता है कि ये अगर कहीं से भी ऑक्सीजन ज्यादा पा जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस रॉ मटेरियल की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। तो इस वजह से ये जो दोनों फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन इसमें स्मेल्टिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस स्मेल्टिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री होती है जो लैंड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैं कहूंगा काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द मतलब बेस्ड ऑन द लैंड, क्योंकि इनको एक अच्छा खासा लैंड की जरूरत होती है और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो तो बेसिकली इंपोर्ट या फिर लेते आया जाता है और फिर उसके बाद असेंबलिंग कर ली जाती है। तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर लैंड बेस्ड इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है। इसके अलावा बाकी कुछ और भी फूड लूज इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको किसी रॉ मटेरियल वगैरह से जरूरत नहीं होता है, जैसे कि जितनी भी टर्शियरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो सारी क्या है, उनको बस एक जगह चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड दे स्टार्ट वर्किंग। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को बोला जाता है फूड लूज इंडस्ट्रीज। या इसके अलावा जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी लैंड की जरूरत होती है, ऑल्दो दे नीड द रॉ मटेरियल एज द फूड सोर्स, बट फूड सोर्स को ट्रांसपोर्ट माध्यम के थ्रू लेते आया जाता है और देखा जाता है बेसिकली लैंड बेस्ड इंडस्ट्री कहां पे है।
इन दोनों लोगों के लिए वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. मार्केट की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी होती है. इफ द मार्केट इज नॉट अवेलेबल, देन ऑब्वियसली इनका कोई काम ज्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि द मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है. तो इस वजह से एक्सपोर्ट करना भी थोड़ा सा कहूंगा कि ये जो है लेस फेवरेबल होता है, क्योंकि वर्ल्ड के साथ में कंपटीशन में ऑब्वियसली हम काफी पीछे हैं, और इस कारण से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है. तो जनरली हम लोग जो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इन्हीं का हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं एक्सपोर्ट में. बाकी जितनी भी चीजें होती है हम लोग उसे हाउस होल्ड में ही ध्यान रखते हैं कि हाउस होल्ड के कामों में ही काम ले लिया जाए, बस हमें इंपोर्ट ना करना पड़े. बिकॉज इंपोर्ट करने से हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अदर कंट्री, एंड दिस कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर अस टू कन्वर्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टू द डेवलप्ड कंट्री. तो एक यहां पर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है. इसके अलावा नेक्स्ट जो होती है फूड लूज इंडस्ट्री, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया आप लोगों को. इसके बाद से नेक्स्ट होती है जो लेबर फोर्स पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं. जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक्चुअल में लेबर फोर्स पे ही बेस्ड होती हैं, जैसे जितनी भी इंडस्ट्री आपको बंगाल में दिखेंगी, ये सारी की सारी जो है वो लेबर फोर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है. लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर ऑल दो रॉ मटेरियल बेस्ड है, बट दीज आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, दे नीड द लेबर फोर्स. और जहां पर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, दैट इज द परफेक्ट प्लेस फॉर द डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जस्ट लाइक अ सिल्क इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो मुंबई हो गया, लुधियाना इन द मतलब कि पंजाब हो गया, इसके अलावा गुजरात, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बंगाल में. तो ये कुछ इलाके होंगे जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ही डेवलप हो जाती है, चाहे वो आपकी कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री हो या सिल्क बेस्ड इंडस्ट्री हो या फिर आपकी वुलन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो. तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होती हैं. इसके अलावा यहां पर अगर आप कोट करना चाहें ज्योग्राफिकल मॉडल्स को, तो यहां पर आप जो है वेबर के मॉडल को कोट कर सकते हैं. वेबर के मॉडल में इन्होंने बताया हुआ था कि रॉ मार्केट, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट, दीज टू थिंग्स विल बी द पैरामीटर थ्रू विच ऑन विच द इंडस्ट्रीज विल बी बेस्ड अपॉन. तो हमें इन दोनों को दिखा सकते हैं आप कि जैसे जस्ट लाइक सपोज रॉ मटेरियल वन यहां पर मिल रहा है, रॉ मटेरियल टू यहां पर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो मार्केट जनरेट होना चाहिए वो इन दोनों के मिडिल में होना चाहिए. सिमिलरली अगर मान लेते हैं कोई ट्राइंगुलर है, थ्री रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, तो जो मेन मार्केट होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो इसके सेंट्रॉइड पे होनी चाहिए. तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल्स की सहायता से. आगे अगर बात किया जाए तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं वन बाय वन करके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं. पहले हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. जस्ट लाइक अगर यहां पर बात किया जाए तो एक होती है जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, इसी तरीके से जूट इंडस्ट्री होती है, इसी तरीके से वुलन इंडस्ट्री होती है, सिमिलरली सिल्क इंडस्ट्री होती है. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. हम लोग क्या करेंगे कि एक इंडस्ट्री को काफी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद से समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है या क्या स्टेटस या फिर कौन सी इंडस्ट्री किस पर बेस्ड है, और अगर मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है, और अकॉर्डिंगली बाकी की चीजों को हम लोग इसी तरीके से रेफर कर लेंगे. तो उसके मैं आइडिया भी दूंगा कैसे क्या करना है. लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो पहले कॉटन इंडस्ट्री को एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. कॉटन इंडस्ट्री के लिए देखिए, ये एक रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है और रॉ मटेरियल ऑब्वियसली कॉटन ही चाहिए होगा. अब देखिए कॉटन अगर देखा जाए तो पाया जाता है ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल अगर इंडिया में बात करें तो हमें जो है वो डेक्कन के एरिया में देखने को मिलती है, और वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली अफ्रीका में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर रिफ्ट वैली है और रिफ्ट वैली से लगातार वोल्केनिक इरप्शंस भी होते रहते हैं. तो एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट लावा, मैग्मा ये आते रहेगा, डेवलप होता रहेगा, और ब्लैक सॉइल भी यहां से डेवलप होती जाएगी. तो एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट यहां पर कॉटन कल्टिवेशन काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री को इसी वजह से मुंबई, गुजरात इस इलाके में ही सेटअप किए हुए हैं. यहां से हमें बेसिकली दो फायदे हो जाते हैं. एक फायदा तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो गई, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का क्या है, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी कराएंगे, ये लोग कहीं पर भी चले जाएंगे, तो इसमें लेबर फोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ वी आर डेवलपिंग और एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्री इन द कॉटन रिच रीजियन.
तीसरी जो चीज होती है और वो होती है कैपिटल. अगेन कैपिटल इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही होती है ऑब्वियसली दे गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट दोज इंडस्ट्रीज टू सेटअप. इसके अलावा अगर देखी जाए तो हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट. ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट है मुंबई के लिए अगेन फेवरेबल हो जाता है क्योंकि यहां पर वाटर वेज अवेलेबल है. और वाटर वेज देखिए दो तरीके से फायदा कर जाता है. इफ इन केस इफ यू हैव टू इंपोर्ट द कॉटन फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन देन अगेन वाटर वेज प्ले अ क्रूशियल रोल हियर क्योंकि यहां से अफ्रीका से जो मटेरियल लेकर के आना है वो आसानी से लेकर के भी आ सकते हैं और साथ ही साथ में आप यहां से जो कॉटन टेक्सटाइल है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं द पोर्ट सिटी ऑफ साउथ इंडिया हैज अ वेरी कह लीजिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज. अगर इसके बारे में देखा जाए तो देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया कि कॉटन, जूट, वुल, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स टेक्सटाइल इस पर बेस्ड होती है. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. और ये जो डेवलपमेंट एक्चुअल में जो टेक्सटाइल डेवलपमेंट है ये आज का नहीं है और ना ही इंडिपेंडेंट इंडिया का है, ये एक्चुअल में बहुत पहले से ही चला आ रहा है टेक्सटाइल के लिए. इनफैक्ट अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से या 1500 बीसी वैदिक सिविलाइजेशन से भी बात किया जाए तो कॉटन कल्टीवेशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये काफी ज्यादा शुरू से ही हमारी इंडिया की जो है वो डोमिनेटिंग रही है ओवर द वर्ल्ड. विद द टाइम अगेन ये चीजें और ज्यादा डेवलप करती जाएंगी और डेवलप करने का ही रीजन होता है कि एक समय जब हम लोग कोलोनाइज थे तो कॉटन यहां से मतलब इंडिया से कॉटन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था लंदन में और वहां से मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में कॉटन क्लोथिंग्स बनकर के आती थी और इंडिया में फिर इसकी डंपिंग की जाती थी. बट अगेन यहां फिर से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया और आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉटन इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा फोकस करके यहां पर जो है बाकी चीजों को भी डेवलप किया गया. पहले केवल और केवल कह लीजिए कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे लेकिन बाद में फिर पावर लूम्स एंड ऑल दैट बाकी सब चीजें मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में डेवलपमेंट की गई और इस डेवलपमेंट के बाद हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो आज की डेट में बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में है और इनफैक्ट नॉट ओनली बेस्ट ग्रोइंग इट हैज ऑल्सो वेरी लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी. अगर इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो देखिए इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर्म्स 20% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. मतलब सिंगल इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि 20% 1/5 कंट्रीब्यूशन दे रही है. 10% ऑफ द एक्साइज कलेक्शन, 18% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो अगेन देखिए इसकी भी जो है काफी अच्छी एक सेक्टर है. इनफैक्ट 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट आउट किया गया था कि जो अपैरियल सेक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी पोटेंशियल सेक्टर है. अगर हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो वी नीड टू फोकस ऑन द अपैरियल सेक्टर एंड द टेक्सटाइल सेक्टर बिकॉज इट हैव लॉट ऑफ द पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और बल्कि हम लोग हिस्ट्री में भी यही देखा गया है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही देखी हुई है. इसके अलावा अगर इसके और कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो नियरली 1/5 ऑफ द टोटल कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग अगेन हमें कॉटन से ही मिलती है एंड 4% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसका है. तो अपने आप में काफी ज्यादा मतलब अगर सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है. एट प्रेजेंट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड हैज द लार्जेस्ट लूमेज एंड स्पिंडल इन द वर्ल्ड. तो हम लोगों ने देख सकते हैं कि मैकेनाइज्ड कर दिया है और मैकेनाइज्ड करने का ही रीजन है कि हम लोग वर्ल्ड में लगातार डोमिनेटिंग नेचर में बने हुए हैं. कॉटन इंडस्ट्री में तो ठीक है लेकिन बाकी जो सिल्क और जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे इसीलिए हो जाते हैं बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. इन दोनों की जो है थोड़ी सी हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें बेसिकली जो सिल्क है या सिंथेटिक फाइबर्स है ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाता है और इस कारण से अगेन हमारी जो कॉस्ट होती है रिलेटिवली वर्ल्ड में बाकियों से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है जिसके कारण से हमें उतना ज्यादा जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं. आगे अगर बात किया जाए तो लोकेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें कि कैसे
अफेक्ट हो रही होती हैं। तो देखिए कई सारे यहां पर भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी व्हाट, इट विल बी रॉ मटेरियल। तो यहां पर रॉ मटेरियल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यही वो चीज रहेगी जो हर चीज को डेवलप आगे करेगी। इसके अलावा देखिए प्रोजेक्टिविटी, तो मार्केट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर मान लीजिए कि आप एक जगह पे रॉ मटेरियल भी मिल जा रहा है, आप इंडस्ट्री भी सेटअप कर दे रहे हैं, बट अगर मार्केट काफी अगर दूर है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगेन जो आपने इकोनॉमिक बनाया है उसको बैलेंस कर ले जाएगा, तो अगेन जो है वो चीप से ये कॉस्टली अफेयर हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना होता है कि आखिर में प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट होना चाहिए, एंड दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेबर थ्योरी। तो अगेन यू कैन कोट वेबर थ्योरी हियर। इसके अलावा देखिए मॉइस्ट जो वेदर होती है उसकी भी जरूरत होती है। इनफैक्ट मॉइस्ट का मतलब आप यहां से ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में बात कर सकते हैं, एंड दिस ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेरी वेल फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में ये इसी तरीके का मॉइस्ट वेदर पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड अ मॉइस्ट वेदर इन द कॉटन इंडस्ट्री। देखिए इसके लिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कि काफी अगर हॉट और वार्म और ड्राई टाइप की क्लाइमेट अगर होगी, तो जो धागा होगा कॉटन जो होगी वो कह लीजिए कि उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो काफी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसको स्ट्रेच किया जाए तो टूट जाने का डर रहेगा, तो इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री में डिफॉल्ट आ जाएगी, और इस कारण से अगेन इंडस्ट्री जो होती है कहीं ना कहीं वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। लेकिन अगर वही मॉइस्ट होगी तो स्ट्रेचिंग में इट विल स्ट्रेच अ लॉट, और थोड़ी सी जो एरर होती है वो कहीं ना कहीं वो एरर भी एक तरीके से सब्साइडेड रहेगी, और इस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री रहेगी वो अच्छा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी पावर लूम्स या जितने भी आपको इक्विपमेंट्स लगाने होंगे उसके लिए जरूरी रहेगा कि वो आप कैपिटल डेवलप किए रहें। इसके अलावा देखिए स्किल्ड एंड चीप लेबर की जरूरत होती है, एंड दैट इज दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कॉटन अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कपड़ा बनाने के लिए, क्या बना सकेंगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, एंड दैट इज वाई यू गो टू अ टेलर शॉप, एंड देयर यू अपना जो है साइज वगैरह अपना नाप देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो सिल विल करके दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्किल की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ में चीप लेबर की भी जरूरत है, क्योंकि लेबर फोर्स भी कहीं ना कहीं अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कॉस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, अगेन ये भी आपको पता ही है, सी पोर्ट, अगेन कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट आपको अगेन एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो कि बियर करनी पड़ती है, एंड दैट इज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर वो सी पोर्ट के जरिए हो जाएगा तो काफी सस्ते में निपट जाता है। बाकी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये अवेलेबिलिटी होना भी अगेन काफी जरूरी है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट बने अल्टीमेटली वो बाहर मार्केट में सेल करने के लिए ही तो है। इट डजंट मैटर यू आर सेलिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट और इन द इंटरनेशनल मार्केट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि आखिर में ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आगे अगर बात किया जाए तो देखिए दिस इंडस्ट्री हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, और इसके पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है कि यहाँ पर जो है 20% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 10% ऑफ द एक्साइज कलेक्शन, ऑल दैट, ये सब डेटा आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया अपने पुराने वाली स्लाइड में ही। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ये भी ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आखिर में जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो प्रोडक्शन जो है देखिए विद द टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, और इन फैक्ट इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग 1950 से अगर 2005-06 के डेटा को देखा जाए तो नियर अबाउट 5-fold, मतलब 5 गुना हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट को, मतलब कि जो कॉटन क्लोथिंग है उसको हम लोगों ने 5 times लगभग कर दिया है। यहाँ पर आप जगह देखेंगे डेटा तो दिस इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल जो कि 8 मेट्रिक टन से 26 मेट्रिक टन हो गई है। यहाँ पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं। अगेन जो है यहाँ पर वो सारी कंडीशंस ऊपर की जो देख सकते हैं, दीज ऑल दीज कंडीशंस आर मेट इन दीज लोकेशंस, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज कुछ ज्यादा ही डेवलप है। अगर इसमें वन एक चीज देख लेते हैं कि इनकेस मान लीजिए है क्वेश्चन आ जाता है कि वाई मुंबई इज मोर प्रोन फॉर द या मोर फेवरेबल टू फॉर द डेवलपमेंट एंड कॉटन इंडस्ट्री, या इसी तरीके की इनकेस अगर आगे किसी में भी क्वेश्चन आता है, जैसे जूट में आ जाता है, किसी में भी आ जाता है, तो आप यहां लिख सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कोट वन केस स्टडी
अगर मान लीजिए आपको आंसर में जरूरत होती है तो इसके लिए आपको जरूरी होता है कि आखिर में ऑन व्हाट पैरामीटर्स ऑन व्हाट पॉइंट्स यू विल डिस्कस द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ सिटी। तो यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं लाइक जन लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल। दूसरा क्लाइमेट, ये चूंकि जो है वो कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया रहेगा तो सीधी सी बात है यहां पर मॉइस्ट एयर मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण से अगेन यहां पर जो कंडीशन होती है वो काफी अच्छी और फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। अगेन तीसरी चीज की यहां पर सी पोर्ट कनेक्टिविटी, तो इससे क्या होती है कि जो अफ्रीकन नेशंस है वहां पर हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं एज वेल एज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपना जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेबर के बारे में बात करें तो अगेन यहां पर चीप एंड स्किल्ड लेबर फोर्स है, क्योंकि जितने भी कह लीजिए कि यूपी हो गया, बिहार हो गया या फिर जो नॉर्थ इंडिया के जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहां से जो लेबर है वो इन्हीं डेवलप्ड स्टेट्स में माइग्रेट कर जाता है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगेन वही पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर और जो अपॉर्चुनिटी की थ्योरी है वो आप यहां पर लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मेकेनाइज्ड जितने भी टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे, ऑल दो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी जस्ट टू रन द जो मशीनरी है, लेकिन यहाँ पर चीप इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और साथ ही साथ में अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है, तो जिससे क्या होती है कि कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियल सेटअप मतलब इंडस्ट्रीज होती है वो रन करती रहती है। लास्टली एक मार्केट की जरूरत होती है और मार्केट जो होती है वो इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह पे अवेलेबल है, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। सी पोर्ट कनेक्टिविटी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। नाउ द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज यू हैव ऑप्शन टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एज वेल एज यू कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा भी अगर चाहे तो आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली आती है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, तो मुंबई जो है वो एक कह लीजिए इकोनॉमिक कैपिटल है, तो इकोनॉमिक कैपिटल होने की वजह से ही यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो न्यू आइडियाज, न्यू स्टार्टअप एंड ऑब्वियसली न्यू डेवलपमेंट फॉर द कॉटन इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हिस्टोरिकल रीजंस के बारे में भी बात कर लिया जाए तो हिस्ट्री भी मुंबई को बताती है कि यहाँ पर ऑलरेडी चीजें जो होती है पहले से ही डेवलप्ड है और इस वजह से एक हिस्टोरिकल रीजन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो उसी तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है कि मुंबई जो है वो पहले से ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक कह लीजिए कि रीजन रहा है और इस वजह से अगेन जो है ये सेंटर और ज्यादा डेवलप करते गया है। आगे अगर बात किया जाए तो कुछ स्टेटस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में स्टेटस क्या है कॉटन का। विद द 122 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन महाराष्ट्र, दिस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अबाउट 39% ऑफ द टोटल क्लोथ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। द सिटी ऑफ मुंबई विद 63 कॉटन मिल्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द कंट्री एंड द बल्क प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट टेक्सचर्ड क्लोथ, लॉन्ग क्लोथ, स्कर्टिंग एंड बाकी सब चीजें जितनी भी लिखी हुई है आप लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट मुंबई को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जस्ट लाइक मेगालोपोलिस, और आप लोग जानते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने सेटलमेंट में जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जहां पर देखा था हम लोगों ने मेट्रोपोलिटन, मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस, इस तरीके की सिटीज का डेवलपमेंट किया गया था, तो कई सारे लोग थे उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इनफैक्ट वी विल डिस्कस दिस इन आवर पेपर टू सेटलमेंट टॉपिक, देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद इंडस्ट्री के बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर पहले डिस्कस करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो वन बाय वन करके सारी ही चीजें डिस्कस हो जाएंगी, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद द लेक्चर्स डेली और जो चीजें जैसे जैसे चलती आ रही है वैसे वैसे आप चलाते जाइए। इफ इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली यू हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो वहां पर जो है अपनी प्रॉब्लम जो होती है आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। आगे अगर देखा जाए तो देखिए कॉटन इंडस्ट्रीज के ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स देखिए क्वाइट मतलब कह लीजिए कि ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप एक बार समझेंगे और जिंदगी भर याद रख सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। लाइक अगर पहले बात किया जाए तो शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, इफ इनकेस रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कॉस्टली होती है तो फिर उसको रोक दिया जाता है और इस वजह से जो होती है ये कहीं ना कहीं जो होती है रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है. मान लीजिए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आ गया तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज. दूसरी है ऑब्सोलीट मशीनरी. जैसे क्या होती है, मशीनरी एक बार लगा दी जाती है तो कंटिन्यूअस उसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है. अगर वो मेंटेनेंस अगर आप नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली जो मशीनरी है वो समय के साथ खराब होती जाएगी. और खराब मशीनरी से दो लॉस है, एक तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो भी खराब होते जाएगा, दूसरा लेबर जो है उसकी एक मतलब उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ को थ्रेट रहता है, क्योंकि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होती है तो इट कैन लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री. नेक्स्ट होती है एरेटिक पावर सप्लाई. समटाइम्स जो होते हैं सप्लाई जा रही होती है, फिर उसके बाद सप्लाई इन केस अगर इंटरप्ट होती है तो जो प्रोडक्ट जो कह लीजिए कि कॉटन क्लोथिंग्स के लिए जो सामान लगा हुआ है पूरा का पूरा जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि वापस से न्यू सेगमेंट लगाना पड़ता है. तो जिससे इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं उसे डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. और आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, जानते होंगे डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और डिफेक्टेड प्रोडक्ट की कई जगह तो मार्केट भी लगती है, सामान सस्ते में मिल जाता है. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, तो ऑब्वियसली ये जो होता है लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी को मुश्किल कर रहा होता है, साथ ही साथ में इंटरप्शन इन द जो प्रोसेस है उसमें इंटरप्शन कर देता है. फिर उसके बाद कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट. जैसे अगर कॉटन क्लोथिंग्स के बारे में बात करें तो आज देखिए कॉटन क्लोथिंग्स की जो डिमांड है वो आप कोई एलन सॉली चाहता है, कोई इसी तरीके से और भी कई सारे ब्रांड होंगे. तो इसमें होता क्या है कि जो इंडियन ब्रांड है वो आप जानते भी नहीं होंगे कि कौन सा इंडियन ब्रांड है. अब आप कोई जा करके जो है गांधी खादी जो भंडार है वहां से तो खरीदता नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप कभी गए भी होंगे तो उनमें क्या है कि एक तरीके से कंपिटिटिव भावना होती भी नहीं है, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर आप उन शॉप्स पे जाते हैं तो. लेकिन वही अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट क्लोथिंग स्टोर्स पे जाते हैं तो नहीं चाहते हुए भी आप वहां से कुछ ना कुछ खरीद के ही आएंगे, किसी भी फॉर्मेट में खरीद करके ही आना ही पड़ेगा. तो ये अगेन जो होती है कंपटीटिव फॉरेन मार्केट है, जहां पर इंडियन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंफीरियर हो जाते हैं जब भी फॉरेन मार्केट फॉरेन प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाता है. तो इसके अलावा हैवी एक्साइज ड्यूटीज है, जिससे क्या होती है कि इंटर स्टेट जो प्रोडक्ट है उनकी डिलीवरी में उनके जो चीजें हैं उनमें जो होता है कॉस्ट में अंतर आ जाता है. ऑल दो यू कैन रिप्लेस दिस विद जीएसटी नॉर्म्स, जीएसटी के कारण से अब तो खैर सारा सामान सेम सा हो गया है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हैवी टैक्सेशन ऑन द प्रोडक्ट्स. इसके बाद है कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर. अब देखिए आज की डेट में क्या है, लोग चाहते नहीं है कॉटन क्लोथिंग्स लेना, बिकॉज अगेन उसकी बार बार जो होती है उसको प्रेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद से उसकी हम बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करना होता है अगर कॉटन क्लोथ ले रहे हैं तो, साथ ही साथ में महंगा भी होता है. जबकि वही अगर सिंथेटिक फाइबर बेस्ड अगर मान लीजिए कोई क्लोथिंग्स ले लेते हैं, कोई टी शर्ट ले लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक तो आपको उसमें क्रीचर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है और सस्ता भी मिल जाता है और कह लीजिए कि ड्यूरेबल भी होता है. तो अगर आप जो है कोई चीज़ अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ में आपको मिल रही है और वही 200 रुपये में मिल रही होगी तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर 200 रुपीज़ ऑफ शर्ट ओवर द 1000 रुपीज़. खैर वो तो इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी पे डिपेंड करता ही करता है, लेकिन अगेन एक जनरल आइडिया लेकर के चला जाए तो ऑब्वियसली दिस विल बी द थिंग हियर. तो अगेन जो होती है ये मार्केट जो होता है इस तरीके से कंपटीशन फेस कर रहा है. इसके अलावा सिक मिल्स हैं. सिक मिल्स का मतलब भाई जो है जो इंडस्ट्री है सेटअप हो गई है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी चलता है वाला जो हिसाब किताब है हमारे इंडिया में, दैट चलता है वाला हिसाब किताब द एटीट्यूड इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम एंड इट इज रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन इन द कॉटन इंडस्ट्री. तो अगेन जो होती है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. तो ये बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए पढ़ा क्योंकि आगे हम लोग अब इसी का ही रेफरेंस लेते रहेंगे और चीजें जो होती है मोर और लेस सेम ही होने वाली हैं. जैसे अगर जूट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए, जूट क्लोथिंग्स भी होती हैं. इनफैक्ट जो है अभी बांग्लादेश ने एक जूट का ही प्लास्टिक बैग बनाया है, मतलब करंट अफेयर्स में अगर आपने देखा होगा तो एक प्लास्टिक बैग जो होती है तो प्लास्टिक इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड इट इज कार्सिनोजेनिक एंड इट इज डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो. तो इन्होंने क्या किया है कि जूट से ही एक बैग बनाया है विच इज एक्चुअली सेम विच इज हैविंग द प्रॉपर्टी सेम एज ऑफ प्लास्टिक. तो काफी ज्यादा बढ़ाई भी हो रही है और इनफैक्ट जो होती है अभी एक कंसेप्ट है इसको अभी मैन्युफैक्चरिंग करनी है इसकी. तो देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी बेटर अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक. तो जूट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया हुआ था कि जूट इंडस्ट्री ये भी रॉ मटेरियल बेस्ड होती है और रॉ मटेरियल में ऑब्वियसली जो जरूरत है वो है जूट की. जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो वहां पर जूट के जो सोर्सेस थे वो कह लीजिए कि ईस्ट बंगाल में थे. ईस्ट बंगाल फिर डिवीजन के बाद में ईस्ट पाकिस्तान में बदल गया
और इस ईस्ट पाकिस्तान का 1971 वॉर के बाद में ये बन गया बांग्लादेश। तो जितने भी सोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो बेसिकली इधर के एरिया में है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो बेसिकली कोलकाता में था। कोलकाता में इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्ट है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चीप हो जाती है। लेकिन अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि अब जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बांग्लादेश, एंड अगर बांग्लादेश के साथ हमारी कंडीशन, मतलब कि हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जैसे शेख हसीना के टाइम पे अगर है तो काफ़ी अच्छी रहती हैं, लेकिन अगर वही जो है मुक्ति वाहिनी के अगर टाइम पे रहती है तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ से हमें जो इम्पोर्ट है उसको भी करना होता है, और अगर अन इंटरप्टेड है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर इंटरप्शन आती है तो फिर वहां पर भी अगेन एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से भी जो होती है हमें जूट की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और यही कारण है कि जो जूट इंडस्ट्रीज है वो उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रही है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 35% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द वर्ल्ड। It is again a labor-intensive industry which directly or indirectly provide job to near about 3 lakh people. The industry is, however, facing a tough competition from synthetic and its export market is shrinking. Again the same problem जो ऑलरेडी आप लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल के साथ में देखा हुआ है। इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी तो मोर और लेस सेम ही होंगी क्योंकि नियर अबाउट जो है चीजें भी सेम है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्सोलीट मशीनरी और साथ ही साथ में जो लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी है, तो वही सारी प्रॉब्लम, वही सब कुछ सेम सेम सा है। तो आप आराम से उस चीज को लिख सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग आते हैं जरा आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे, और यहां से थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपकी शुरू होएगी। इसके बारे में अगर बात किया जाए, सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मतलब की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसके बारे में भी अगेन जो हमें जरूरत होती है वो सेम आयरन की जरूरत होती है, लेकिन आयरन के लिए आपको प्योर आयरन अगर लेंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी प्योर, और इसको हमें मशीनरी या कुछ टूल्स बनाने में यूज करना है तो हमें सबसे पहले इसकी स्मेल्टिंग करनी होती है। स्मेल्टिंग का मतलब आप समझ लीजिए प्योरिफिकेशन एक तरीके से, लेकिन ये प्योरिफिकेशन में प्योर आयरन नहीं, इसमें कार्बन के भी कुछ टर्म्स मिलाए जाते हैं, निकल मिलाया जाता है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, जिससे कि इसकी रस्टिंग जो हो रही है, जो इसकी कह लीजिए कि जो रस्ट लगने का मतलब हो गया कि जो जंग लग जाती है उसको रोका जाता है, और उसको रोकने से ही हम लोगों को स्टील मिलता है, एंड दैट इज मतलब कुछ और भी निकल वगैरह भी अलॉय वगैरह मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है, जिससे कि हम लोग बाकी सारे और भी बहुत सारे आइटम्स बना लेते हैं। तो इस स्मेल्टिंग के लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है हाई टेम्परेचर, और ये जो हाई टेम्परेचर है ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पर, अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस किस तरीके से जनरेट की जा सकती है, एक होती है जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, या फिर बायो प्लांट्स हैं, या फिर विंड के थ्रू एनर्जी हो गई। तो लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 60% ऑफ द थर्मल, मतलब जो पावर प्लांट्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है, यानी कि कोल बेस्ड है, और इस वजह से जहां जहां ये थर्मल पावर प्लांट्स होंगी वहीं वहीं पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाई जाएगी। लकली हम लोगों ने ऐसा पाया है कि जहां जहां कोल पाई गई है वहां वहां पर आयरन का कॉम्बिनेशन भी मिला है। जस्ट लाइक अगर छोटा नागपुर प्लेटू देखेंगे, वेस्ट बंगाल देखेंगे, झारखंड देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, या फिर अगर आप वेस्टर्न इंडिया में चले या मुंबई देखेंगे, गोवा देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने आयरन के साथ साथ यहाँ पर जो है थर्मल पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं, जैसे मुंबई में तारापुर वगैरह हो गया, तो लगभग हर जगह पर आपको एक पावर प्लांट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी सेटअप कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी जो होती है वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रस्टिंग कर देता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो जंग लगा देता है, तो एक प्रॉब्लम जरूर होती है, बट अगेन वी कैन मैनेज दैट इन द इंडस्ट्रीज। द रियल प्रोग्रेस इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज मेड इन 1907 जब जमशेद रतन जो टाटा थे इन्होंने जो होती है अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी जमशेदपुर में। सबसिक्वेंटली द आयरन जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है IISCO वॉज सेटअप एज द हीरापुर इन 1918 एंड विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील
लिमिटेड भद्रावती 1923, सिमिलरली सेल को भी डेवलप कर दिया गया था। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली हम लोगों ने आयरन स्टील इंडस्ट्री पे वर्क भी किया और इस पर जो है आउटपुट भी हमें अच्छा खासा मिला है। इट वॉज इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान 1956-61 व्हेन ट्रेमेंडस फोकस वॉज मेड बाई द आयरन स्टील इंडस्ट्री। वो इसलिए क्योंकि इस समय हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस प्लान व्हेन इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो इंटीग्रेटेड प्लान बनाया गया था, मतलब कि यहां पर हम लोग आयरन की स्मेल्टिंग भी करेंगे और साथ ही साथ में इसमें अलॉय मिलाकर किसी स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील्स भी बना लेंगे। बोकारो आयरन स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रशियन गवर्नमेंट इन 1964 और सेल वॉज सेटअप इन जनवरी 1973। तो ये देखिए, हालांकि ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह करवा दिया जाता है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ऐसा चाहिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इन द फिफ्थ जो फाइव ईयर प्लान था, इट वॉज रिजॉल्व टू सेटअप फोर न्यू आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन द पारादीप, सैलम, विजयनगर, वाइजैग। एट प्रेजेंट इंडिया जो होती है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड है। तो ये शो कर रहा है कि जो हमारी स्टील प्लांट्स है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्मेट में है। इनफैक्ट हम लोग कंटिन्यूअसली इस पर डेवलपमेंट भी करते जा रहे हैं, फोकस भी करके रखे हुए हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द आयरन स्टील इंडस्ट्री आर आयरन ओर, मैग्नीज, फ्लक्स, लाइमस्टोन, फ्यूल एंड फायर क्ले। इट कंज्यूम्स हेवी क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन ओर, क्योंकि यही दो चीज है जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो एनर्जी के लिए चाहिए होता है, दूसरा तो खैर रॉ मटेरियल ही है। Both these minerals are weight losing. Consequently, it is located either at the site of coal mines or near the iron ore deposit. All these raw materials include water, bauxite, dolomite, etc. And the coals are found in the Chotanagpur Plateau. तो यहाँ से हम लोग basically जो है वो smelting करा देते हैं और इसकी development भी कर देते हैं। अगर हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ पे development की जाती है, तो देखिए बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है वो रिच सोर्सेज हैं आयरन के। अगर हम लोग देखें कि कहां कहां पर आयरन इंडस्ट्री सेटअप की गई है, तो एक तो की गई है जो जमशेदपुर में है, सबसे पहली ही है, और जिसका नाम जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके अलावा कई और भी कंपनीज हम लोगों ने लगातार सेट की है, जैसे एक है जो वेस्ट बंगाल में बर्नपुर या IISCO है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं दिस इज IISCO, ये जो है वो बर्नपुर में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा भद्रावती आयरन स्टील है जो कि अगेन जो है वो मैसूर में है। तो दिस इज बेसिकली द भद्रावती VSL, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट्स। इसके अलावा भिलाई में बनाया गया है छत्तीसगढ़, दिस इज भिलाई, BHI, भिलाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउरकेला में, फिर दुर्गापुर में, बोकारो में, सैलम में और विजयनगर, वाइजैग, तो बहुत सारे हम लोगों ने डेवलपमेंट्स करके रखे हुए हैं। तो ये मैप बेसिकली इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेटअप, तो आपको मैप बना करके वहां पर दिखाना है। इनफैक्ट बेटर विल बी कि अगर आप दो मैप छोटा छोटा बना दें, एक बना दें आप कोल की अवेलेबिलिटी को लेकर के, दूसरा आयरन रिच रिसोर्स, आयरन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और लास्टली जो होती है थर्ड मैप बना दीजिए कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप किया गया है। तो ये जो है वो अपने आप में कंप्लीशन लगेगा और काफी अच्छे मार्क्स आपको इस पर मिलेंगे। तो बेटर कभी भी अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर इनकाउंटर करते हैं तो तीनों मैप बनाइएगा, वन इज द फॉर कोल रॉ मटेरियल, आयरन रॉ मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप। फिर आती है हमारी जो रॉ मटेरियल, मतलब कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसमें जरूरत किस किस चीज की होती है। तो यहाँ पर जो जरूरत है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, मशीनरी की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। तो ये सब जो है वो बाकी सारी जरूरतें अपार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। लेकिन इन इंडस्ट्रीज को कई सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, और अगर इस प्रॉब्लम में बात करें तो अगेन वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग देख रखे हैं। जैसे एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितनी भी जो कह लीजिए मशीन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज जो है इन्वेस्टमेंट और इनिफिशियंट पब्लिक सेक्टर दोनों को ही कंसीडर करके बताया जा सकता है कि जैसे होता क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्रेडिट पे काम करती हैं। क्रेडिट पे काम करने का मतलब ये हो गया कि
कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जो आयरन या फिर स्टील बना रही है, तो ऑब्वियसली ये स्टील बना करके ऐसा तो है नहीं मार्केट में बेचेगी, ये क्या करती है बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको सप्लाई प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल हो गया, इनको सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है, या फिर कोई मशीनरी हो गई इनको सप्लाई कर रही होती है, या फिर बाकी जितनी भी मान लीजिए कोई साइंटिफिक चीज है उसको भी ये सप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से, या फिर आगे मेटलर्जिकल कामों में भी सप्लाई की जा रही होती है, तो ये बेसिकली सप्लाई करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल वाले ने सप्लाई लिया है तो तुरंत इनकी कैश पेमेंट कर दी जाती है, नहीं, ये लोग इनको क्रेडिट डाल देते हैं कि भाई हम आपको देंगे और पहले हम अपना माल तो बेच ले। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना पहले डेवलपमेंट करते हैं और फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इफ इन केस ये ऑटोमोबाइल या फिर मशीनरी या फिर साइंटिफिक या कोई भी चीज अगर फेल करती है, तो ऑब्वियसली इनकी जो ये क्रेडिट है वो भी काइंड ऑफ एनपीए बन जाती है, मतलब इनका जो कह लीजिए कि पेमेंट है, फाइनल पेमेंट, वो रुक जाती है। तो इस कारण से इनफिशियंट पब्लिक सेक्टर और साथ ही साथ में हैवी इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों जो होती है वो यहां से आप समझ गए हैं। इसके अलावा देखिए ऑब्सोलीट इंडस्ट्री, इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं, आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो सामान खराब होगा, सामान खराब होगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है वो भी इंफीरियर क्वालिटी या फिर आगे सामान ही नहीं बन पाएगा। बाकी कंट्रोल प्राइजेस है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक अगर मान लेते हैं कि आप आयरन ही बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो होती है रॉड बना रहे हैं, तो उसकी प्राइजेस कंट्रोल्ड की जाती हैं क्योंकि वो हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहा है और हाउसिंग सेक्टर अगेन जो होती है एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर हमें एक कंट्रोल्ड प्राइसिंग या फिर रेगुलेटिंग प्राइसिंग देखने को मिलता है, जो कि अगेन जो होती है इस इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिकनेस ऑफ मिनी स्टील प्लांट, जितने भी छोटे प्लांट्स बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिक है, मतलब उनपे एक उनका जो कनेक्टिविटी लिंक है, जो नेटवर्क है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से इनकी जो भी प्लांट डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, वो भी रुक जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी एनर्जी की सप्लाई यानी इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कोकिंग कोल, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, मान लेते हैं कि अगर आयरन है, अब जैसे देखिए आयरन और स्टील के बारे में ही अगर बात किया जाए, तो हम लोग कुछ साल पहले तक, इनफैक्ट कुछ साल पहले क्या, इनफैक्ट लास्ट 2-3 ईयर्स से ही केवल और केवल डेवलप्ड है। इससे पहले होता क्या था, आयरन रॉ मटेरियल को हम लोग चाइना को इम्पोर्ट करते थे, जापान को इम्पोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट करते थे, और फिर चाइना से हम लोग प्रोसेस्ड स्टील लेते थे। इसलिए लेते थे क्योंकि अगेन हमारे पास मशीनरी नहीं थी और हम लोग कोल बेस्ड थे, तो जो हाई टेम्परेचर की जरूरत है उसके लिए काफी ज्यादा कोल खराब हो जाता, तो इनफैक्ट कोल भी हम लोग क्या है बाहर से ही इम्पोर्ट करते हैं, तो इस वजह से जो होती है डबल कॉस्ट पड़ जाती थी, महंगा काफी ज्यादा हो जाता, तो इस वजह से हम लोग स्टील जो है वो कह लीजिए चाइना से जो है इम्पोर्ट करते थे। तो ये बेसिकली जो डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं हमें एक रोक रही थी, और हम लोग धीरे धीरे करके इस समय तो खैर काफी अच्छी पोजीशन में आ गए, स्टील के लिए हम लोग सेकेंड नंबर के बन चुके हैं आफ्टर चाइना, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जो अपनी जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर लेते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड से। तो ये थी हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इसी तरीके से अगर एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए, तो देखिए मोर और लेस चीजें सेम होने वाली हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉक्साइट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये हमेशा जो होता है Al2O3 एलुमिना के फॉर्मेट में होता है या फिर कह लीजिए बॉक्साइट के फॉर्मेट में पाया जाता है, दिस इज द मेन कंपाउंड, और यहां से स्मेल्टिंग के जरिए हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पर स्मेल्टिंग कराई जा रही है, तो सीधी सी बात है हमें किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की, और एनर्जी का मतलब हाई टेम्परेचर की यहाँ पर भी फिर से जरूरत होने वाली है। यहाँ पर जो स्मेल्टिंग के लिए और चीजों की जरूरत होती है वो होती है क्लीन वाटर की, तो अगेन जो होती है वाटर की अवेलेबिलिटी भी जरूरी होती है और वो भी क्लीन वाटर की, तो हम इन इंडस्ट्री को वहां सेटअप करते हैं जो रिवर साइड में होती है, क्योंकि रिवर से हम लोग फिर मटेरियल मतलब की वाटर को उठा लेंगे, साथ ही साथ में देखेंगे जहां कोल की अवेलेबिलिटी है, पावर प्लांट्स हैं, वहां भी उठा लेंगे, और इस तरीके से हम लोग बेसिकली एल्युमिनियम की इंडस्ट्री को सेटअप कर देते हैं। तो द रॉ मटेरियल यूज्ड इन आयरन स्टील इंडस्ट्री आर कार जो चीजें हैं ये तो ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे हैं, और yeah
इसी में देखिए, एल्युमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री. इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट्स इलास्टिसिटी एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड कैपेसिटी टू मोल्ड इन टू एनी डिजायर्ड शेप हैज मेड इट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेटल. इट इज वाइडली यूज इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैनुफैक्चर ऑफ एयरप्लेन और रेलवे कोचेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एक्सेसरीज. तो कई जगह पर इसका यूज किया जाता है. इट इज अ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्टील, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है. इनफैक्ट एल्यूमिनियम के आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काफी ज्यादा आते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ द बॉक्साइड, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वाटर की अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स अप्रॉक्सिमेटली 6 टन ऑफ बॉक्साइड. यानी कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो हमारी प्रोडक्शन में लॉस होती है वो वेस्टेज बहुत ज्यादा है. मतलब 30-40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज अकाउंटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी अलोन. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये कुछ एरियाज है जहां पर मेन बॉक्साइट प्रोड्यूसर एरियाज हैं. इनफैक्ट बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने मिनरल सेक्शन में देख रखी है. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है और 1938 में जो होती है पहली इंडस्ट्री सेटअप की गई थी. इट वॉज लेटर ऑन कन्वर्टेड इंटू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन 1944. अनदर कंपनी नेम एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन 1942 इन वेस्ट बंगाल. At the time of independence, there was only 2 plant in the country with a total installed capacity of 4,000 tons of ingot. During the second 5-year plan, 2 new industries developed ki gayi, like Hindalco, jo ki Renukut mein aur Hirakud mein jo hai, wo Indal ki gayi thi. Iske baad fir third 5-year plan mein fir se aur bhi baaki sare industries ka setup karna shuru hua, jaise Mittur mein Malco kiya gaya. और इस तरीके से नई नई प्लांट जो है वो establish करती हैं. This is just for your information and your knowledge. ऐसा स्टेटस जो होती है वो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. एट प्रेजेंट देयर आर 7 मेजर एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन द कंट्री. अगर इनके प्रोडक्शन को देखा जाए या एरिया को देखा जाए तो एक तो आपको पता ही चल गया कि रेणुकूट में है एंड दिस इज बेसिकली रेणुकूट, ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे आता है, हिल एरिया है, विंध्याचल से जाया जाता है. तो ये रेणुकूट हो गया. रेणुकूट के अलावा वेस्ट बंगाल में जेके नगर, दिस इज जेके नगर वेस्ट बंगाल में आ जाती है. इसके अलावा हीराकुंड हो गया, दिस इज हीराकुंड. फिर उसके बाद से आपका कोरापुट हो गया, दिस इज कोरापुट. कोरापुट के बाद फिर अगर देखेंगे तो बेलगांव और मिट्टूर. तो ये बेसिकली मिट्टूर भी हो गई और साथ साथ में जो है बेलगांव. बेलगांव को लेकर के आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा कि बेलगांव को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में हमेशा जो होती है वो एक प्रॉब्लम है कि कौन से विलेज किसको कितनी जाने वाली है, तो एक प्रॉब्लम है. आगे अगर बात किया जाए इनके कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम आखिर में फेस कर रही है. यहां पर देखेंगे तो मेजर प्रॉब्लम ऑफ द एल्युमिनियम इंडस्ट्री इज इंटरनेशनल कंपटीशन एंड इंडिया हैज द बेस्ट ग्रेड ऑफ बॉक्साइट बट अनफॉर्चुनेटली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट एट पार टू दैट ऑफ द कंट्री लाइक जो बाहर की कंट्रीज हैं. इसके अलावा बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है कि हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर है, कंट्रोल प्राइस है, सिकनेस ऑफ द मनी इंटरेस्ट. तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को पता है. तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन. काफी लंबा जा रहा है तो इसको हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर उसके बाद से फार्मास्यूटिकल और जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके बारे में. तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.